wake up with determination, go to bed with satisfaction. Good morning guys, मैं अनुज स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एग्जाम पर में। तो दोस्त हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने आ चुका हूँ हमेशा की तरह हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मस्ती तरीके से, मतलब इंजॉय करके पूरी वोकैबुलरी को कवर कराना। निमोनिक मेथड पे हम काम कर रहे हैं। जो बच्चे आज नए आए हो क्लास में वो जरूर अपने अटेंडेंस को लगा दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझको पता चल जाए कि आज मेरी क्लास में नए बच्चे का एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं पहले हमने आज क्या सीखा। हमेशा जब आप जागो तो एक डिटर्मिनेशन के साथ जागो, मतलब एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए आपके पास कि आज मेरे को ये करना है, ये करना है, ये काम करना है, ये पढ़ाई करनी है। और जब आप बेड पर जाओ तो आपके पास सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। मतलब जब आप डिटर्मिनेशन से काम करोगे कि हाँ ये मैंने काम किया, ये मेरे को काम करना था और आपने वो कंप्लीट कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन। और जब आप सेटिस्फेक्शन में बेड पर जाओगे ना सोने, तो आपको जो खुशी मिलेगी वो बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। चलिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। वोकैबुलरी का मार्का विस्तराने मेंटोनियम सीरीज आपके सामने आ चुकी है। हम एक सीरीज पर काम कर रहे हैं, जैसा कि आपको बता चुका हूँ निमोनिक मेथड क्या होता है, अब हम जानते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला वर्ड आ गया स्ट्रीजेंट, अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, फिर हम मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसकी ट्रिक होती है, किस तरीके से हम चीजों को याद करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपके सामने इसको सेट कर देता हूं। तो देखें अब इसका मीनिंग है कठोर या सख्त। अब देखो जो आपके सामने जो हमारा मेथड है, जो निमोनिक मेथड है, वो क्या होता है वो आपको अभी समझाता हूं। लिखा हुआ है आपके सामने स्त्री। अब देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखो स्ट्रीजेंट, ये पेन स्लिप हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब सेट हो गया स्ट्रीजेंट। अब आप इसमें से क्या है, इसने वर्ड को निकाल लो और अगर मैं इसको हिंदी में स्त्री लिख दूं तो ये क्या सेम साउंड नहीं कर रहा, स्त्री स्ट्रिंजेंट, तो क्या कर रहा है, सेम साउंड कर रहा है। तो आप यहां से स्ट्रिंजेंट से स्त्री को आसानी से याद कर लेंगे। अब स्त्री ही क्यों, क्योंकि स्त्री जो होती है, जैसे ये जो स्त्री है यहाँ पर, सभी नहीं, वैसे तो बहुत सॉफ्ट होते हैं सब, है ना, बहुत क्या कहते हैं पोलाइट होती है नेचर में, लेकिन यहाँ पर जो ये लेडी है वो बच्चे के साथ बहुत सारा रूड बिहेव कर रही है, कठोर है, स्ट्रिक्ट है। तो कैसे याद करेंगे हमें कि ये लेडी इस बच्चे के साथ कैसी है, हार्श है, स्ट्रिक्ट है। तो हमें याद हो गया स्ट्रीजेंट, क्लियर हुई बात। यहाँ से सिनोनिम क्या हो गया हमारा, हार्श और स्ट्रिक्ट, जैसा कि आपको बता चुका हूं कठोर सख्त। एंटोनिम्स पर आएंगे तो इजी यानी कि आसान, सॉफ्ट यानी कि जो नाजुक हो, तो क्या हो गया हमारा ये यहाँ पर इसका एंटोनिम हो गया। एग्जाम्पल पर आएंगे, माय पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रीजेंट विद मी, मेरे जो माता पिता है वो बहुत ज्यादा कैसे थे मेरे साथ, कठोर थे, सख्त थे। अब ठीक हो गया है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब नॉर्मली बिहेव करते हैं, लेकिन जब मैं छोटा था तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, वहां खेलना है, वहां नहीं खेलना, तो ये सब कैसा था, स्ट्रिंजेंट बिहेवियर था मेरे फादर का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे प्रति, ठीक है। तो ऐसा हम इस तरीके से एग्जाम्पल को रिलेट करके हम याद कर लेंगे, क्लियर रही बात यहाँ से। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया है परपेचुअल। तो वो परपेचुअल का मीनिंग होता है कंटिन्यूअस। आप इमेज में देखिए कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, इसका मीनिंग भी यही है। अब हम इसको याद कैसे करते हैं, मीनिंग आपके सामने आ गया, ट्रिक। अब देखो आप ध्यान से देखो अगर, तो परपेचुअल में से पेटू छुपा हुआ है, अब ये पेटू कौन होता है, जो बहुत ज्यादा लगातार खाता रहता है। भाई पेटू जो लोग होते हैं, पेटू लोग से मतलब ये नहीं कि वो उनका पेट भार है, पेटू मतलब जो बहुत ज्यादा खाने के शौकीन होते हैं, उनको खाना बहुत अच्छा लगता है, उनको क्या बोलते हैं पेटू। कहते हैं ना अपने कहीं खाने वाने जाते हो बाहर आप किसी पार्टीज वगैरह में, तो वहां पर अपने फ्रेंड से बोलते हो कि भाई कितना खाएगा, पेटू है क्या। तो आप कैसे याद रखोगे वहां से, पेटू है क्या, लगातार खाता जा रहा है, पर पेचुअल, याद हो गया आपको यहां से बात, ये हमारा निमोनिक मेथड है। सिनोनिम कंटिन्यूअस लगातार, इंड्यूरिंग, इंड्यूरिंग का मतलब होता है चिरकाल तक, जब तक कोई चीज एंड ना हो जाए, मतलब कोई एंड नहीं है, तो क्या हो गया, इंड्यूरिंग हो गया। चलिए एंटोनिम्स की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारा क्या हो गया, सीजिंग, किसी चीज को सीज कर देना, रोक देना, फिनिश, किसी को समाप्त कर देना, तो ये क्या हो गया हमारे इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल, ही इज ऑन परपेचुअल सर्च ऑफ ट्रुथ, वो कैसे, किस चीज पर है, लगातार सच की खोज में है, क्लियर हो बात यहां से। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया है प्रोफेलिकेट। प्रोफेलिकेट का मतलब होता है चरित्रहीन या बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, दो मीनिंग लेता है अपने, किस तरीके से इसको याद करेंगे, प्रोफ प्लसली प्लस गेट। अब देखो हमें कैसे याद करना है, ये प्रोफ जो है वो प्रोफेसर का साउंड कर रहा है, प्रोफेसर प्रोफ से बना है, तो हम याद रखेंगे जो प्रोफेसर है वो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, इनकी सैलरी होती है, तो एक ली नाम के प्रोफेसर है,
उनकी बहुत अच्छी खासी सैलरी है, तो वो कैसे है अपव्यय है, बहुत ज्यादा पैसे को खर्च करते हैं, देखो कितनी सारी गाड़ी है उनके पास, ऐसा हम मान लेते हैं। क्लियर रही बात यहाँ से? चलिए सिनोनिम पर बढ़ेंगे, तो वेस्टफुल बहुत ज्यादा पैसे को खर्च करने वाला, लेविश मतलब वही जो पैसे को बर्बाद करे, वेस्टफुल हो तो वो क्या होगा इसके सिनोनिम। क्लियर रही बात? एंटोनिम्स पर आएंगे तो पहला एंटोनिम हमारा पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का जो मीनिंग होता है वो होता है कम खर्च करने वाला, किफायती, ठीक है लिख लीजिएगा। और जेंटल मतलब आप जानते ही हैं, जेंटल मतलब जो नम्र हो, जसादा सा हो, बिल्कुल अच्छा कैरेक्टर वाला हो। क्लियर हो रही बात यहाँ से? और वन वर्ड में बोलूं तो सज्जन, ठीक है। एग्जाम्पल पर आएंगे, शी इज वेल नोन फॉर हर प्रोफेलीगेट स्पेंडिंग हैबिट्स, वो बहुत ज्यादा जानी जाती है अपनी खर्च करने वाली आदत। क्लियर हो रही बात यहाँ से? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ गया है प्रीन। इमेज को देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये अपने आप को सजा रही है मैडम जी, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका मीनिंग सजाना है, खुद को खुद पसंद करना अपने आप को, ठीक है। ट्रिक क्या हो गई, प्रिंस, जो प्रिंस होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, वो क्या करते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा सजाते हैं और खुद से उन्हें बहुत ज्यादा पसंद, खुद को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये क्या हो गया इसके सिनोनिम्स हो गए। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, प्रिंस को याद रखिएगा, प्रिंस से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिंस साउंड कर रहा है, प्रिंस सा, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रिंस 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 से हो गया मतलब ब्यूटीफाई करना, तो आपको ये क्या है वो याद ही नहीं हो, ठीक है। तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको चीज अच्छे से याद होंगी। एंटोनियम्स डर्टी, सिनोनिम क्या हो गया, ब्यूटीफाई, किसी को ब्यूटीफाई करना, सजाना, क्लीन मतलब साफ करना, तो ये दोनों क्या होगा इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनियम डर्टी, किसी को गंदा करना, एक तरफ हम सजाने की बात कर, दूसरा हम गंदा करने की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, डेकोरेट द रूम फॉर द पार्टी, प्रीन योर सेल्फ फॉर द स्पेशल डे। डेकोरेट रूम को क्या कर दो, डेकोरेट कर दो पार्टी के लिए, और प्रीन योर सेल्फ, और जो क्या है खुद जो है वो अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि क्या स्पेशल डे के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैनारोमा। ये बहुत अच्छा वर्ड था, मैंने इसको जानबूझ के रखा है, देखो लिखा हुआ है पैनारोमा, पैनोरामा लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ते हैं इसको पैनारोमा। क्लियर हुई बात? चलिए मीनिंग दृश्य पटल, यानी किसी भी चीज का नजारा, उसको बोलते हैं पैनारोमा। एक कैमरे में एक पैनारोमा का ऑप्शन भी होता है, ठीक है, कभी चेक करना, मतलब वो एक पूरे सीन को क्या है कैप्चर करने के लिए यूज होता है। सिनोनिम सीन, ठीक है। एग्जाम्पल, देयर इज अ सुपर पैनोरामा ऑफ माउंटेन्स फ्रॉम द होटल, क्या है बहुत शानदार सुंदर नजारा है, किसका, माउंटेन्स का, कहां से, होटल से, ये होटल है और यहाँ मान के चलो यहाँ माउंटेन्स है, और वो बहुत ज्यादा सुंदर नजारे की बात कर रहा है यहाँ पर। क्लियर ये बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका प्रोफ्यूज। अब देखो प्रोफ्यूज क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, प्रोफ्यूज का क्या मीनिंग होता है, यहाँ पर आइसक्रीम भी रखी है, मैं ये कहना चाह रहा था, तो वो इतनी सारी आइसक्रीम्स रखी हुई है, मतलब क्या होना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना, प्रचुर मात्रा में होना, तो क्या बोलते हैं हम, प्रोफ्यूज। क्लियर हुई बात? ट्रिक, प्रोफ प्लस यूज बराबर एनर्जी। अब देखो फिर से ये जो प्रोफ आ गया, इसको आपको फिर से कैसे याद करना है, प्रोफ से प्रोफेसर को याद कीजिए, तो प्रोफेसर क्या करते हैं, जो टीचर होते हैं वो पढ़ाने में अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया। क्लियर हुई बात? चलिए सिनोनिम्स एम्पल, एम्पल और एक्सट्रीम, दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में किसी चीज का, एक्सट्रीम। एंटोनियम्स लैकिंग, कमी, स्पार्स मतलब कम, कमी है किसी चीज की, तो क्या हो गया दोनों उसके एंटोनियम्स हो गए। एग्जाम्पल, प्रोफ्यूज स्वीटिंग इज ऑफन अ साइन ऑफ अ हाई शुगर, देखो हाई शुगर लिख लीजिएगा, मतलब प्रोफ्यूज ईटिंग यानी कि जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्वीट को करना, वो क्या है एक साइन है इसका, हाई शुगर का, याद रखिएगा, मतलब जो शुगर होती है उसका, बहुत ज्यादा मीठा खाना। दिल्ली में आके ना बहुत खांसी हो गई, बहुत पॉल्यूशन है यहाँ पर, और वो जो ये जो जो मार्कर रहता है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, और वो क्या है वो गले में चले जाते हैं, तो उससे भी खांसी होती है। तीसरा रीजन खांसी का ये है कि सुबह सुबह ठंड में आना, ठीक है, बाइक चला करके ठंड में आना, तो ऑब्वियसली बात है यार खांसी तो होनी होनी, तो हमारी मेहनत है दोस्तों, आपका प्यार है, तो प्लीज अपने प्यार को, अपने जो है प्यार को दिखाया करिए, लाइक करके, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके, आपके प्यार से ना सिर्फ हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए, है ना, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। प्रिसाइन, ठीक है, अब आपके सामने वर्ड आ गया प्रिसाइन, तो उसके पीछे लिखा हुआ है साइन, और यहाँ पर इमेज भी साइंटिस्ट की है, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा तो होने वाला है, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड होने वाला है, क्या होगा रिलेटेड, देखो प्रिसाइन का मतलब होता है जो किसी चीज के पहले में बारे में पहले बता दो, जो साइंटिस्ट होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी चीज को
पहले से ही बता देते हैं, मतलब अब बारिश होने वाली है, अब मौसम खराब होने वाला है, अब आंधी आने वाली है। तो साइंटिस्ट क्या होते हैं, भविष्यवाणी होते हैं, और आपको यहां से वर्ड को चुराना है। ठीक है, देखो प्री प्लस साइंट, प्री मतलब पहले और साइंट से आप याद रखिएगा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या होते हैं, भविष्यवाणी होते हैं। देखो यही फंडा है, यही तरीका है याद करने का, पूरे वर्ड को तोड़ दिया। अब बताओ क्या आपको दोबारा इस वर्ड को याद करने की जरूरत है, नहीं, बस एक हल्की सी निगाह मारने की जरूरत। क्लियर हुई बात। सिनोनिम क्या हो गया इसका, जुडिशियस और फारसाइटेड। फारसाइटेड का मतलब होता है दूरदर्शी, जुडिशियस यानी कि जो निर्णायक हो, पहले से जो है वो चीजों को देख कर चल रहा हो कि क्या होना है, क्या होने वाला है। एग्जाम्पल, माई ब्रदर ट्राइज टू बी प्रेजेंट, मेरे जो भाई है वो कोशिश करता है क्या किसके प्रेजेंट बनने की, यानी कि भविष्यवाणी बनने की, हमेशा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने प्री डिस्पोजिशन, फिर से इसको तोड़ देंगे। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं, इसका मीनिंग होता है झुकाव या गड़बड़ी। अब देखो इसकी ट्रिक कितनी शानदार है, प्री डिस और पोजिशन। अब पोजिशन जो है वो डिस हो गई है, पोजिशन जो है वो बिगड़ गई है, तो क्या हो जाएगा, झुकाव हो जाएगा। भाई आप सीधे खड़े हो और आपकी पोजिशन बिगड़ जाए तो आप क्या हो जाओगे, तिरछे हो जाओगे। मान के चलो, देखो इमेजिनेशन करनी है, अब आप अड़ जाओ, नहीं सर कैसे, ऐसे कैसे, हम तो ऐसे ही खड़े रहेंगे सीधे, नहीं मेरे भाई मेरे साथ चलो, मैं जो आपको जहां ले जा रहा हूँ वहीं ले जाओ। तो क्या हो, प्री डिस्पोजिशन, मतलब आप जो है अपनी पोजिशन से डिसबैलेंस हो गए, झुकाव हो गए, आपकी पोजिशन में गड़बड़ी आ गई है। ये इसका तरीका याद करने का, बताओ याद हुआ नहीं हुआ। सिनोनिम बायस और प्रोलैक्टिविटी, प्रोक्लिविटी प्रोक्लिविटी मतलब होता है, और बायस मतलब दोनों का मतलब होता है एक झुकाव, किसी की तरफ लगाव। जैसे सपोज कीजिए तीन भाई बहन है और मम्मा का जो है वो झुकाव छोटी बहन की तरफ है, पापा का जो है वो बड़े भाई की तरफ है, तो ये क्या होता है, प्रोक्लिविटी होता है, प्री डिस्पोजिशन होता है, बायस होता है। और याद मैंने वो कैसे कराया, पोजिशन से, लेकिन जो उसका मीनिंग है वो ले रहा है प्यार की तरफ, झुकाव लगाव की तरफ। ठीक है, एंटोनियम्स डिसलाइक नफरत करना, हेट, दोनों क्या हो गए इसके सिनोनिम हुए। एग्जाम्पल, देयर इज एविडेंस दैट अ प्री डिस्पोजिशन टू अस्थमा रनस इन द फैमिली, क्या है, यहाँ सबूत है जो इस बात को दिखा रहा है कि गड़बड़ी है पूरे परिवार में, क्या है, अस्थमा जो है वो फैलता जा रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेते हैं पनी। देखो पनी को याद रखिएगा, पानी से, आप देख लीजिए इमेज में कितने कमजोर से इंसान खड़े हुए हैं, तो क्या होगा, ट्रिक क्या होगा इसकी, पानी पानी साउंड कर रहा है कैसा, पानी जैसा। तो अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपके अंदर एनर्जी कैसे आएगी। सपोज कीजिए मैं बीच में पानी पी लेता हूँ, अगर मैं पानी नहीं आऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, तो क्या होगा, मेरे गले की जो शक्ति है, जो पावर है, वो खत्म हो जाएगी और गला भारी भारी सा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आने का सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो पानी जो है वो पनी से याद रखिएगा, और उसका मतलब क्या होता है, शक्ति। सिनोनिम फीबल, कमजोर, फ्रेल, दोनों बहुत शानदार वर्ड है, और मैं ये पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, फीबल फ्रेल क्या होता है, कमजोर। ठीक है, दोनों का मीनिंग होता है कमजोर। एंटोनियम्स स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। एग्जाम्पल, माई कार ओनली हैज अ पनी लिटिल इंजन, मेरी कार क्या है कि मेरी कार में मतलब क्या है, एक छोटा सा इंजन है बस। ठीक है, क्लियर बात यहां से। चलो लास्ट वर्ड ले लेते हैं, पल्सेट। देखो पल्सेट का मतलब होता है धड़कना। अब कैसे याद करेंगे, पल्स साउंड आ रहा है, पल्सेट में कैसा साउंड आ रहा है, पल्स का। तो कैसे हम हो गया ना आसान, पल्सेट साउंड लाइक पल्स। तो पल्स जो हमारे पल्स होती है हमारी हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है, धड़कती है। तो इसका क्या सिनोनिम हो गया, पंप करना, वाइब्रेट करना। हमारे जो ब्लड होता है वो हमारी जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उसमें से होकर के पंप करता है, हमारी जो पल्सेस होती है उसमें से हमारे जो ब्लड है वो फ्लो करता है। तो हम वहां से इसको याद कर लेंगे। एंटोनियम्स स्टे, रुका हुआ, बी स्टिल, शांत, रुकना। एक तरह तो हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, दूसरा हम उसका एंटोनियम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्पेस और बी स्टिल। क्लियर हुई बात यहाँ से। एग्जाम्पल, द होल रूम वॉज पल्सेटिंग विद म्यूजिक, जो पूरा रूम है वो किस कैसा था, पल्सेटिंग कर रहा था, साउंड कर रहा था, धड़क रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, किससे, म्यूजिक से। चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू हो चुका है, रिवीजन टाइम स्टार्ट। जानिए अपने आप को कि आप कितना कर पा रहे हैं, कितना आपने 10 वर्ड आपके सामने 30 सेकंड आपके पास है, फटाफट से रिवाइज करो, जल्दी से आपके पास 30 सेकंड है, अपने आप को जज करो कि हम कितना कर पा रहे हैं, कितना याद हो रहा है, कितने मेरे एफर्ट आप सक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शाबाश। चलिए आपके पास 10 सेकंड है बस, टाइम बहुत जल्दी से निकलता है, 30 सेकंड है बस, और रिवाइज करने के लिए सच बताऊं तो 10 सेकंड भी बहुत है, क्योंकि आपको वर्ड देखना है यार, वर्ड देखना है, परपेचुअल इसका मीनिंग ये, प्रोफ्लिगेट इसका मीनिंग ये, बस ऐसे ही करो। और जब वीडियो पूरा हो जाए तो प्लीज जरूर बताइएगा मेरे 10 से, क्योंकि आप आने वाली जो संडे क्लास होगी, लाइव क्लास होगी,
उसे मैं जरूर बताऊंगा कि कौन कौन सा बच्चा, नाम पढ़ पढ़ के बताऊंगा एक एक बच्चे का, कि इस बच्चे के फुल मार्क्स आए, इस बच्चे के इतने आए, ये बच्चे अपनी क्लास में एफर्ट डालने हैं, बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, चलिए चलिए, आपका टाइम शुरू खत्म हो चुका है, अब मैं आपके सामने इसको रिविजन रखता हूँ। यही फायदा है, मैंने आपको पहले सारा करा दिया, उसके बाद मैं आपका रिविजन करा रहा हूँ बोल बोल के, फिर मैं सैटरडे को फिर रिविजन करा दूंगा, है ना, और फिर आपका टेस्ट ले लूंगा। तो यार बताओ क्या मेरी का आपको करने की जरूरत है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, बस आप रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो आपके सामने पहला वर्ड आ गया एसिजेंट, मतलब कैन को क्या याद कराया था, स्त्री से, क्या यहाँ कठारी लिखा हुआ है, इसको कठोर कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा, कठोर, क्लियर हुई बात। चलिए, परपिचुअल मतलब मैंने आपको बताया था पेटू लोग जो है वो बहुत ज्यादा खाते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका प्रोफ्लिगेट, मैंने बताया था प्रोफेसर ली बहुत ज्यादा अपवयी हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। प्रिन को मैंने आपको याद कराया था प्रिंस से, है ना, जो प्रिंस होता है वो बहुत ज्यादा सजाता है अपने आप को, खुद को बहुत ज्यादा पसंद करता है। नेक्स्ट वर्ड था पैनोरोमा, पैनोरोमा का जो मीनिंग होता है उसका दृश्य पटल, आप उसको अपने कैमरे से चेक भी कर सकते हैं और याद भी जाएगा आपको, आपको याद भी होगा। प्रोफ्यूज के लिए मैंने आपको बताया था प्रोफेसर यूज करते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी को पढ़ाने के लिए, प्रचुर मात्रा में एनर्जी को यूज करते हैं, आप ऐसे लिंक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड था आपका प्री साइंट, साइंटिस्ट और प्री साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं, भविष्यज्ञानी होते हैं। प्री डिस्पोजिशन, आपकी जो पोजिशन है वो डिसबैलेंस हो गई, यानी कि आप झुकाव आ गया, आप एक तरफ तिरछे हो गए हो, गड़बड़ी हो गई। नेक्स्ट वर्ड आपका पनी, पनी मतलब था पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा, आपकी शक्ति हीन हो जाएगी, आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहेगी। और नेक्स्ट और लास्ट वर्ड था आपका पल्सेट, पल्सेट को आपको याद कराया था मैंने, पल्स से, पल्स क्या होती है, वाइब्रेट करती है, धड़कती है, पंप करती है। क्लियर हुई बात यहाँ से, यहाँ तक। चलिए तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके जरूर बताइएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी क्लास में बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, बच्चे अपनी राय को लिखते हैं, अगर उन्हें वीडियो पसंद आता है तो जरूर लिखकर बताते हैं कि सर हमें वीडियो अच्छा लगा, ये चीज बहुत अच्छी थी, ये चीज बहुत अच्छी थी, बढ़िया थी, है ना। तो ऐसे अपना प्यार जो है दिखाते रहिए, आपसे हमेशा मैं आपके सामने आपको हंसते खेलते आपको सारी वोकैबुलरी याद कराता रहूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे आने वाली अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए और मुस्कुराते